के माध्यम से न केवल प्रदेश बल्कि देश की भी एक पहचान बनी। आज उसी का परिणाम है कि घरेलू मार्केट हो या दुनिया के किसी भी बारे 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोडक्ट केवल और केवल मुरादाबाद का होता है और यह उपलब्धि वास्तव में एक बहुत सकारात्मक संदेश है कि मुरादाबाद के अंदर पोटेंशियल है। थोड़ा भी सरकार के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित कर दिया जाए तो वे पूरी दुनिया के अंदर छाने की सामर्थ्य रखते हैं और उस सामर्थ्य को यहाँ के कारीगर, यहाँ के हस्तशिल्पी आज इस रूप में उठाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इसके लिए उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, हम जब नगरीय जीवन की बात करते हैं तो नगरीय जीवन में सामान्यतः लोग आते हैं, जमीन खरीदते हैं या प्लॉट खरीद करके या वहां पर बने हुए आवासीय सुविधाओं को लेकर के वहां रहना प्रारंभ करते हैं। स्वाभाविक से हरेक इच्छा होती है कि वह अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की, स्वास्थ्य की, कनेक्टिविटी की अच्छी सुविधा से युक्त नगरीय जीवन जिए और उसके अनुरूप अपने आप को आगे बढ़ाए। लेकिन नगरीय क्षेत्रों में बढ़ते हुए भार को ध्यान में रखकर के जो सुविधाएं विकसित होनी चाहिए थी उसका अभाव होने के कारण बहुत बार 5 वर्ष पहले तक ये देखने को मिलता था कि नगरीय जीवन अपने आप में एक चुनौती बन चुकी है, नारकीय हो चुकी है। उससे मुक्त करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में देश के अंदर स्मार्ट सिटी मिशन की घोषणा की थी। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 10 नगरों को स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत चयन किया था, जिससे जनता की बुनियादी सुविधाओं को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन प्रारंभिक 2.5 वर्ष प्रदेश में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं पर कोई भी कार्य आगे बढ़ाने का कार्य नहीं किया। कोई सुविधा जनता को नहीं दी गई। लोक कल्याणकारी योजनाएं आम जनमानस तक पहुंचाने के लिए उन्होंने हमेशा उसमें बैरियर का काम किया। लेकिन विगत 5.5 वर्ष के दौरान नगरीय जीवन को भी स्मार्ट जीवन के रूप में बदलने और जनता के लिए ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्रदान करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो कार्य प्रारंभ किया है आज उसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। अकेले मुरादाबाद नगर के अंदर आज नगरीय जीवन से जुड़े हुए 424 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इसका एक उदाहरण है, जिसमें ICCC इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो न केवल ITMS को, इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को, बल्कि इसे सेफ सिटी के रूप में भी बदलने का कार्य कर रहा है। भाइयों बहनों, आज इसका भी लोकार्पण का कार्य हो रहा है। पूरा मुरादाबाद शहर और फिर इसी तर्ज पर अन्य नगर निकायों को भी हम लोग CCTV कैमरे से आच्छादित करके न केवल ट्रैफिक सिग्नल ऑटो मोड पर कार्य करता हुआ दिखाई देगा, बल्कि अगर सिटी के अंदर किसी सोने ने किसी बेटी और बहन की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया, किसी लुटेरे ने किसी व्यापारी के साथ छिनेटी और लूट करने का प्रयास किया, किसी अपराधी ने किसी अपराधी घटना को अंजाम देना प्रारंभ किया, तो CCTV कैमरा उसके सारे कारनामों को कैद करके रखेगी और इस चौराहे पे घटना घटित होगी, अगले चौराहे पर वह कहीं ढेर होता हुआ दिखाई देगा। यह ICCC एक सुरक्षा का, सेफ सिटी का एक मॉडल देने जा रहा है। भाइयों बहनों, ये कार्य पहले भी हो सकते थे लेकिन पहले नहीं। अकेले मुरादाबाद शहर में और मुरादाबाद ग्रामीण क्षेत्र में लगभग
37,000 से भी गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना का लाभ उपलब्ध हो रहा है। इन गरीबों को पहले भी आवास मिल सकते थे। भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर अब तक हम 45,00,000 गरीबों को एक एक आवास उपलब्ध करवा चुके हैं। 2,61,00,000 गरीबों को ग्रामीण क्षेत्र में और लगभग 10,00,000 गरीबों को शहरी क्षेत्र में शौचालय की सुविधा का लाभ उपलब्ध प्रदान कर चुके हैं। स्ट्रीट वेंडर, पटरी व्यवसायी, ठेला, खोचा, रेड़ी लगाने वाले व्यक्ति को हमेशा जो शिकायत मिलती थी कि यह व्यक्ति कहीं पर पुलिस, कहीं पर नगर निकाय के लोग उसका शोषण करते थे, लेकिन उसके लिए भी कोई स्कीम आ जाए, वह साहकारों के चक्कर में पड़ करके अपने पूरे जीवन भर केवल कर्ज तले दबा रहता था। लेकिन भाइयों बहनों, पहली बार पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत उस गरीब व्यापारी को भी योजना के साथ जोड़ करके और उसको कैसे उसके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 9,00,000 पटरी व्यवसायियों को ब्याज फ्री लोन की सुविधा उपलब्ध करवा करके आज पीएम स्वनिधि योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ये पहली बार देखने को मिला कि जो भी योजनाएं हैं, चाहे वह पीएम आवास योजना हो, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय के निर्माण का हो, चाहे वह पीएम स्वनिधि की योजना हो, वृद्धावस्था पेंशन का हो, दिव्यांगजन पेंशन है, निराश्रित महिला पेंशन है, कन्या सुमंगला योजना है, मुख्यमंत्री स्वामित्व विवाह की योजना है, या फिर अन्य जितनी भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं, बिना भेदभाव के इन योजनाओं का लाभ हर गरीब को उपलब्ध करवाने का कार्य हो रहा है। कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं, न जाति के नाम पर, न क्षेत्र के नाम पर, न मत और मजहब के नाम पर। हर एक व्यक्ति को पात्रता की श्रेणी है तो उसको इसका लाभ मिलना चाहिए। और सरकार और प्रशासन आकर के, जनप्रतिनिधि आकर के, कैंप लगा करके उन योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। आज ये मुरादाबाद, जहां का हस्तशिल्पी और कारीगर सैकड़ों वर्षों से अपनी हुनर का लाभ इस जनपद को एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, प्रदेश में एक पहचान दिलाने के लिए करते थे, पिछली सरकारों के भ्रष्ट कारनामों के कारण एक समय तो पीतल उद्योग यहां का बंदी के कगार पर पहुंच गया था, क्योंकि उनके पास जो कोयले से चलने वाली भट्टी थी, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लगातार वहां छापेमारी करता था। आज तो हम लोगों ने वहां पर सीएनजी और पीएनजी की सुविधा उपलब्ध करवाने के और उन्हें कनेक्शन देने की कार्रवाई कर दी है, और बहुत शीघ्र कोई भी भट्टी कोयला से नहीं बल्कि पीएनजी से ही संचालित होगी। इस प्रकार की व्यवस्था देकर के, पॉल्यूशन फ्री माहौल में देकर के उन्हें एक अच्छा वातावरण भी दिया जा रहा है। हर जनपद में एक्सपोर्ट प्रमोशन की कार्रवाई हो रही है। आज उसी का परिणाम है कि लगभग 13,000 से 14,000 करोड़ रुपए का प्रोडक्ट पीतल का केले मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। भाइयों बहनों, एक्सपोर्ट होना किसी भी राज्य और जनपद के लिए उपलब्धि होती है, और 5,000 से 5 वर्ष में ये 14,000 से 15,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट पहुंचना एक सुखद लक्षण दिखाई दे रहा है कि यह एक अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आज प्रदेश में निवेश का एक बेहतर वातावरण बना है, सुरक्षा का बेहतर वातावरण देने का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक अच्छी सफलता के साथ आगे बढ़ा है। हम पहले 14वें स्थान पर थे, आज नंबर 2 स्थान पर आ गए, और बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश व्यवसाय की सुगमता में देश के अंदर नंबर 1 स्थान पर होगा, और देश की नंबर 1 इकोनॉमी के रूप में उत्तर प्रदेश को स्थापित करना है। आज यही आह्वान करने के लिए मैं आज मुरादाबाद के उद्यमियों का आह्वान करने के लिए आपके बीच आया हूं। भाइयों बहनों, बुनियादी सुविधाएं सरकार दे रही है, सुरक्षा सरकार देने के लिए प्रतिबद्ध है, अपराध और अपराधी के प्रति, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारी के प्रति सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है, और मैं इसीलिए आज सभी प्रबुद्ध जनों का आह्वान करूंगा,
आपने पिछले 5 साल बीजेपी सरकार की कार्यपद्धति को देखा, बिना भेदभाव के शासन की योजना समाज के हर एक तबके को दी जा रही है। एक ओर सुरक्षा का बेहतर वातावरण, ये पेशेवर अपराधी माफिया जो दंगा कराते थे, दंगा भड़काते थे, गुंडागर्दी करते थे, बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेन लगाते थे, विकास की योजनाओं में बैरियर बनते थे, आज आपने देखा होगा ये सभी अपराधी और माफिया या तो पुलिस के द्वारा कार्रवाई करके जेल के अंदर डाले जा चुके हैं या स्वयं प्रदेश छोड़कर के भाग चुके हैं। आज बेहतर सुरक्षा का वातावरण देकर के तकनीक का बेहतर उपयोग करते हुए हम लोगों ने जिस प्रकार की सुविधा प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है वह आप सबके सामने है। और इसीलिए मेरे लिए आप सबसे कहते हुए कि हम लोगों ने 10 से 12 फरवरी 2023 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। दुनिया भर के लगभग 10,000 से अधिक उद्यमी और निवेशक लखनऊ में आएंगे और उस अवसर पर मेरे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा जब उत्तर प्रदेश का उद्यमी और उत्तर प्रदेश का निवेशक उत्तर प्रदेश में निवेश करके न केवल अपने व्यवसाय को कई गुना बढ़ाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश के माध्यम से एक संदेश भी देगा कि देश के अंदर प्रधानमंत्री जी ने देश की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो संकल्प लिया है, उत्तर प्रदेश को देश का ग्रोथ इंजन बनना है तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए अधिक से अधिक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आपके द्वारा क्या किया निवेश, यह स्कूल के निर्माण के लिए हो सकता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के निर्माण के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हो सकता है, उद्योग के लिए हो सकता है। हर एक क्षेत्र में 25 सेक्टोरियल पॉलिसी हम लोगों ने तैयार की है और इन 25 क्षेत्रों में जहां कहीं भी आप निवेश करेंगे, जैसे निवेश करने के लिए सिंगल विंडो पोर्टल हम लोगों ने दिया है निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, ऐसे ही निवेश के बाद सरकार से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी आप आपको ऑनलाइन ही आपके खाते में पैसा सीधे पहुंच जाएगा, आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, इसकी व्यवस्था भी अब सरकार ने कर दी है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में और उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना है और इसके लिए प्रबुद्ध जनों को सरकार का माहौल बनाना, एक और जहां इस कार्य को आगे बढ़ाना है और प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित करना है, वही दूसरी ओर मैं आपका आह्वान ये भी करूंगा कि आपने डबल इंजन की ताकत और उसकी सामर्थ्य को देखा होगा। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो जनता जनार्दन को शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा जब सरकार आपके साथ खड़ी थी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही थी, परिणाम सबके सामने थे। लेकिन भाइयों बहनों, शासन की योजनाएं स्थानीय निकाय संस्थाओं तक पहुंचे और उसके बाद वहां कोई बैरियर लग जाए बहुत कठिन होता है। जब स्थानीय निकाय में भी उसी विचारधारा के लोग आए तो उसका लाभ फिर कई गुना मिलता हुआ दिखाई देता है और इसके लिए प्रबुद्ध जनों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। आप सबसे मेरी अपील है कि डबल के साथ साथ ट्रिपल इंजन को भी इसके साथ जोड़ना जो निवेश के लिए और स्थानीय स्तर की समस्या का समाधान करने में सकारात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके। भाइयों बहनों, डबल इंजन की सरकार आपकी हर समस्या का समाधान करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और मेरी आप सबसे अपील होगी कि आप सभी लोग मिलकर के
इस दिशा में अगर एक सकारात्मक प्रयास को आगे बढ़ाने का कार्य कर लेंगे, कोई कारण नहीं उत्तर प्रदेश बहुत शीघ्र देश की नंबर एक की अर्थव्यवस्था बनकर के देश के विकास का ग्रोथ इंजन की अपनी भूमिका का निर्माण करता हुआ दिखा। और इसके लिए मैं आप सभी प्रबुद्धजनों का